हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे कुकिंग कुकिंग बाय मोहिनी चैनल पर। तो आज मैं लेके आई हूँ ढोकले की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। चलिए इसकी रेसिपी को फटाफट से देख लेते हैं। ढोकला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने चने की दाल ली है, जिसको हमने अच्छे से वॉश करके 4 घंटे के लिए भिगो दिया था पानी में। तो ये फूल कर डबल हो चुकी है, तो अब हम इसको जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम इसमें 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको बारीक पीस लेंगे। तो ये देखिए, हमने दाल को बारीक पीस लिया है, आप देख सकते हैं। पीसी हुई दाल को हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम इसमें 3 टेबल स्पून जितना दही डालेंगे। दही डालने से ढोकले में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसी के साथ इसमें हम 1/2 टीस्पून जितना नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें यहाँ पर पानी थोड़ा कम लग रहा है, तो इसमें थोड़ा सा पानी हम और डालेंगे। तो ये देखिए, ढोकला बैटर बन के रेडी है। तो हम इसको रख देंगे फर्मेंट होने के लिए 5 से 6 घंटे के लिए। तो ये देखिए, बैटर को रखे हुए यहाँ पर 5 से 6 घंटे हो चुके हैं और बैटर अच्छे से फर्मेंट हो गया है। बैटर को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें इनो डालेंगे। यहाँ पर मैंने लेमन फ्लेवर का इनो लिया है, आप चाहें तो इसकी जगह सोडा भी ले सकते हैं। बैटर में हम सोडे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इनो को हमने बैटर में अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम एक ढोकला टिन लेंगे। हमने यहाँ पर ढोकले की प्लेट को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया था, इसमें हम अब बैटर डाल देंगे। यहाँ पर मैंने पहले ही पानी गर्म होने के लिए रख दिया था और पानी गर्म हो चुका है अच्छे से। अब हम इसमें ढोकले की प्लेट को रख देंगे और इसे 15 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे। अगर आपके पास ढोकले का कुकर नहीं है तो आप चाहें इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं। ढोकले को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। चम्मच में थोड़ा बैटर लगा हुआ है, तो यहाँ पे अभी ढोकला जो है पका नहीं है, तो इसे हम और 5 मिनट पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, तो वापस से हम ढोकले को चेक कर लेंगे ये पका है या नहीं। आप देख सकते हैं कि चम्मच में बिल्कुल भी बैटर नहीं लगा हुआ है, तो ढोकला अच्छे से पक चुका है। इसे हम रख देंगे ठंडा होने के लिए 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए, ढोकले को रखे हुए यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं और ढोकला बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तब हम इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। आप चाहें तो ढोकले को किसी भी शेप में काट सकते हैं। ये ढोकला यहाँ पर बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्पॉन्जी बना है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम ढोकले के लिए तड़का तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक तड़का पैन लिया है। उसमें हम 2 टेबल स्पून जितना रिफाइंड ऑयल डालेंगे। तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और इसमें 1 टेबल स्पून जितना मस्टर्ड सीड्स डालेंगे। इसके बाद ही हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता। इसके साथ इसमें 2 हरी मिर्च कटी हुई डालेंगे। हरी मिर्च को यहाँ पर हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसे हल्का ही फ्राई करना है। हम गैस फ्लेम को बंद कर देंगे। इस तड़के को हम चम्मच से ढोकले पर डालते जाएंगे। तो ये देखिए, ढोकला यहाँ पर बनके बिल्कुल रेडी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए इस ढोकले की रेसिपी को, और आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।